मामा आज एक स्टोरी सुनाएंगी और अच्छी सी, कल से भी अच्छी सुनाएं। कल से भी अच्छी? कल आपको मजा आया था? बहुत अच्छी थी वो स्टोरी। चले आप सुनाएं। अच्छा जी, आज मैं स्टोरी आपको सुनाने लगी हूँ एक गधे की और एक डोगी की। एक गधे की और एक कुत्ते की। हाँ, एक कुत्ते की। जो डोगी होता है ना, जी, दोनों डोगी और जो होता है ना गधा, वो एक आदमी ने ना दोनों को रखा होता है। तो जो आदमी होता है ना, वो जो गधा होता है ना, उसको ऊपर माल लाद के ना, तो मतलब सामान इधर से उधर ले जाने का काम जो है ना, उससे करता है ना, मतलब दूसरों को जो गधा वगैरह होता है ना, उससे ये काम होता है ना, उससे करवाते हैं। और डोगी तो आपको पता है, वो तो नहीं ना सामान उठा सकता। गधा गाड़ी देखी नहीं आपने? देखी, अक्सर हम रोड पे देखते हैं ना। हाँ हाँ, तो वो उसके ऊपर ना गधा, गधे के ऊपर सामान लाद के ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो गधा बेचारा रोज बड़ा ज्यादा ना बोझ उठाता है। तो लेकिन जो उसका मालक होता है ना, वो जो आदमी होता है, वो गधे को ज्यादा प्यार नहीं करता। गधा बेचारा बड़ा वो डिसहार्ट होता है कि मैं तो इतना इसके काम आता हूँ, लेकिन ये मेरे से इतना प्यार ही नहीं करता। तो बेचारा हर वक्त ना कम्प्लेक्स का शिकार होता है। कम्प्लेक्स का पता है ना, कि दूसरे से जेलसी फील करना। तो एक दिन ना वो देखता है कि ना कमरे में ना झांकता है अपने मालक की कमरे की खिड़की से, विंडो से ना अंदर देखता है। तो क्या देखता है कि उसका जो मालक है ना, वो जो डॉगी होता है ना, उसको इतना मज़े मज़े का खाना खिला रहा होता है और दूसरे नंबर पे उसको प्यार कर रहा था। मेरे प्यारे डॉगी, प्यारे पप्पी, और खाओ प्यारे पप्पी, और खाओ, इस तरह कर रहा होता है। तो वो जो होता है जनाब, डोंकी जो होता है, गधा जो होता है, उसको ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है। कहता है दिन भर काम मैं इसके करूं और डोगी जो है उसको ज़्यादा खाने को मिलता है, और खाना भी इतना अच्छा उसको मिलता है कि वो मज़े ले ले के खाता है, और मैं जो दिन भर के काम करता हूं, तो मुझे तो इतना मज़े का भी नहीं खाना मिलता, और ना ही मुझे जो मेरा मालिक है वो इतना प्यार करता है। तो देख अंदर ना देखता है, कहता है मैं देखता हूँ ज़रा कि क्या करता है ये डोगी, जिसकी वजह से ना इसको मेरा मालिक जो है ना, वो इतना ज़्यादा प्यार करता है। वो देखता है कि वो जब मालिक उसको खाना डालता है ना, तो वो डोगी जो है ना, उस जब वो उसको प्यार करता है, तो डोगी उसके आगे पीछे घूमता है, ऐसे उसको चाटता है। आपने देखा है ना, हमने जो नानों के घर जो डोगी भी रखा हुआ था, हाँ, तो वो ना उसको ना ऐसे चाटता है और उसके आगे पीछे ना घूमता भी है। तो गधे के जहन में ना आइडिया आता है कि ये सिर्फ अगर ऐसे घूमने फिरने से ही खाना इतना मज़े का मिलता है और मालक जो है वो इसको प्यार भी करता है, तो मैं भी ये काम करके देखता हूँ। तो कहता है ये कौन सा इतना को मुश्किल काम है, मैं भी कर लेता हूँ ऐसे। वो ना मालिक अंदर उसको जब खाना खिला रहा होता है, तो ये ना खिड़की से ही अंदर छलांग लगाता है और अंदर जाके ना मालिक को देख के ना दांत निकाल के ऊपर देख के, तो ही ऐसे डिंचू डिंचू करता है, अपनी टांगें जो है टेबल के ऊपर रखता है, सारे जो शीशे के बर्तन होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, सारी अलमारी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और मालिक ना हैरान परेशान हो जाता है कि आज ये मेरे गधे को क्या हो गया। और डोंकी ना आगे पीछे डांस करना शुरू कर देता है, जैसे डोगी कह रही हूँ, डोंकी जो है ना आगे पीछे उसके डांस करना शुरू कर देता है। मालक बेचारा परेशान हो जाता है, वो कहता है, उसके जहन में ना फौरन आता है कि ये मेरा जो गधा है ना, ये ना पागल हो गया। क्योंकि वो एक डोगी जो है वो और तरह से चक्कर लगाता है ना, और एक जो डोंकी होता है वो तो और तरह से, और गधा जो है ना उसकी गोद में पाँव रख के ना खड़ा हो जाता है और अपनी तरफ से उसको शरारते हैं और करतब करके दिखाता है, जैसे कि मैं डांस कर रहा हूँ मैं आपके आगे पीछे। तो मालक को ये समझ लगती है कि मेरा गधा पागल हो गया है। मालक क्या करता है कि ऊंची ऊंची आवाज़ से ना बोलना शुरू कर देता है, लोगों मुझे बचाओ, लोगों मुझे बचाओ, गधा पागल हो गया है, लोगों मुझे बचाओ। लोग आके देखते हैं तो जो गधा साहब होते हैं वो उसकी गोद में पाँव रखा होता है और आसमान की तरफ मुँह करके अपने दांत निकाल के ही
ऐसे खा रहा था, तो लोग भी आके देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ ये गधा तो वाकई पागल हो गया। लोग डंडे पकड़ के तो उसको गधे को ना इतना मारना शुरू करते हैं, डम डम डम, और उसको इतना मारते हैं कि वो बेचारा बड़ा ज़्यादा जख्मी हो जाता है। फिर उसको जो है ना बाहर निकाल देते हैं घर से, तो मालिक भी उसको बाहर निकाल देता है कि मैं इसको रखा हुआ था अपने काम के लिए और उसने जो है ना इस तरह से किया। तो इसका लेसन हमें ये मिलता है कि लाजमी नहीं है कि जो दूसरा कर सकता है आप भी वैसा ही करें। इस तरह ये होता है कि हर बंदे की डिफरेंट नेचर होती है। आपने मुझे बता दो, मुझे तो इसको पता ही नहीं चल रहा था लेसन। नहीं चल रहा था, मतलब कि हर बंदे की नेचर डिफरेंट है ना। आप जिस तरह आप कहती हैं मामा आप जेरी से ज़्यादा प्यार करती हैं, जेरी चूंकि छोटा है और जेरी की बातें आपसे डिफरेंट हैं, तो इसी तरह वो जो डॉगी होता है ना उसकी आदत जो होती है ना वो उससे डिफरेंट होती हैं। तो वो डॉगी क्या कर रहा था जब वो आ, डॉगी हैरान परेशान होकर देख रहा था कि ये मेरे मालिक के साथ क्या कर रहा है। और मालिक जो है ना वो अपने जो गधा होता है उससे उसकी आदत से परेशान हो जाता है, ये मेरे आज गधे को क्या हो गया है। तो फिर इस तरह उसको इतने ज़्यादा डंडे पड़ते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। तो गधे को जब ये उसको नहीं पता होता ना, समटाइम जो हम सोच रहे होते हैं वो अगले बंदे को तो नहीं ना पता होता कि इस तरह से होगा, तो गधा बेचारा इतना परेशान होता है और पछताता है कि मैंने क्यों। तो फिर वो जाता कहाँ है? फिर वो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर किसी और मालिक के पास चला जाता है। तो इसी तरह हम लोगों को दूसरे से जेलस नहीं होना चाहिए जाए ना, हमें हमेशा जो है ना जो हमारे में क्वालिटीज़ है ना। मम्मा दूसरी को अच्छा दूसरी भी सुनाती हूँ, दूसरी भी सुनाती हूँ। अच्छा अब मैं आपको सुनाने लगी हूँ एक लड़की की और एक लालची सौदागर की। सौदा किसको कहते हैं? सौदागर होता है जो कि चीज़ों का ना सौदागर। जी अब मैं आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ एक सौदागर की और वो बड़ा लालची होता है और एक जो है ना लड़की की। लड़की जो होती है ना वो बड़ी अक्लमंद होती है, मतलब वो समझती है चीज़ों को, बड़ी कनिंग होती है, ठीक है। तो जो लड़की होती है ना वो अपने बाबा के साथ ना एक गांव में रहती है। उसके बाबा जो होते हैं ना वो चले हैं। अच्छा तो वो जो लड़की होती है ना वो बड़ी ज़्यादा ना होती है, वाइस होती है, चीज़ों को समझती है। उसके वो अपने बाबा के साथ ना एक गांव में रहती है, जंगल जंगल टाइप होता है वहाँ पर रहती है। तो उसके जो बाबा है ना वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके बाबा भी एक छोटे से ना वो होते हैं सौदागर ही कह लें, उसी टाइप के होते हैं, लेकिन बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। और उन्होंने ना एक भैंस रखी होती है, वो जो भैंस रखी होती है ना वो दूध देती है, तो वो दूध बेच के ना लोगों के घरों में, जैसे वो हमारे घर वो अंकल आते हैं ना दूध देने, फिर हम उनको पैसे देते हैं, तो इसी तरह उनके जो बाबा होते हैं ना वो भी ऐसे लोगों के घरों में दूध देते हैं और घर का सरकट जो है ना चलाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि वो जो बैल होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है। तो जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर क्या मतलब होता है इसका कि वो दूध देना कम कर देती है, फिर दूध ज़्यादा नहीं ना देती। जितनी यंग बैल होगी ना गाय होगी वो उतना ही ज़्यादा दूध देगी ना। तो वो अपनी बेटी से ना मशवरा करते हैं कि मेरी बेटी ये अब दूध देना कम हो गई है, अब हमें पैसे भी नहीं लोगों के घरों से मिल रहे, तो ज़्यादा दूध ना देने की वजह से अब कम पैसे मिल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना जाऊँ लकड़ियाँ यहाँ से जंगल से इकट्ठी करूँ और जाके शहर में जाके ना बेच के आऊँ, तो कुछ ना कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे ना। उसके बाबा कहते हैं, वो अपने बाबा को कहती है, बाबा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। इस तरह ये है कि हम दूध के साथ साथ हम लकड़ियाँ भी बेच लिया करेंगे और हमारे घर थोड़ी सी खुशहाली भी आ जाएगी, मतलब पैसे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे। तो ना वो ना आप लोग उधर जाके खेलो, जो जहर इसके चाइना मिट्टी के साथ खेलो। अच्छा तो वो उसके बाबा कहते हैं, अच्छा बेटा अब दुआ करना कि ये हमारी लकड़ियाँ जो है ना वो सेल हो जाएं और कुछ पैसे आ जाएं हाथ में। कहती है, बाबा ज़रूर आप जाएं। अच्छा उसके बाबा ना जाते हैं तो ना ऊपर लकड़ियों का एक मोटा सा गट्ठा, मतलब जंगल से काट के ना लकड़ियों का एक मोटा सा गट्ठा जो है ना वो काट के ना तो रखते हैं और जंगल वो शहर की तरफ ना रवाना हो जाते हैं उसके बाबा। जब वो शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ना एक सौदागर होता है। सौदागर जो है ना वो बूढ़े उसको आदमी को देखता है
तो उसके दिल में ना फटाफट ना एक चलाकी आती है, वो बड़ा चलाक होता है और लालची भी बड़ा ज़्यादा होता है। तो ना उसके जहन में ना एक आइडिया आता है, कहता है ये तो बूढ़ा है, इसको क्या पता चलना है मेरा जो मेरी जो तरकीब है, तो उससे तो इसको कुछ भी नहीं पता चलना। तो वो उसको कहता है हाँ भाई ये लकड़ियों का कितना सौदा करोगे, कितने पैसे लोगे? वो कहता है कि आप बताएं, आपको बेहतर पता है, आप बताएं। तो इर्द गिर्द लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो कहता है इन सब का देते हो 5 सिक्के। इन सब का मतलब होता है उसका, वो इतना चलाक होता है वो अंदर गाय को भी शामिल कर लेता है, जो बूढ़ी गाय होती है ना उसके भी पैसे अंदर ही, उसका भी सौदा कर देता है। तो और लकड़ियों को भी कर लेता है, वो इतना चलाक होता है उसको पता होता है कि बूढ़े को क्या समझ आनी है। तो कहता है इन लकड़ियों इन सब का दोगे 5, इन सब का लोगे 5 सिक्के। तो बूढ़ा जो है ना वो बड़ा खुश होता है कि फटाफट मेरी लकड़ियाँ सेल हो जाएंगी तो मैं घर चला जाऊँगा। तो बूढ़ा कहता है, सोच के कहता है हाँ ले लूँगा इन सब का 5 सिक्के। तो कहता है सब लोग सुन रहे हो आप लोग कि ये किसान ने क्या कहा है कि इन सब का ये लेगा 5 सिक्के। सारे लोग कहते हैं हाँ हम लोगों ने सुना है कि इसने कहा है कि मैं लूँगा 5 सिक्के। तो कहता है चलो भाई लकड़ियों का गट्ठा जो है ना वो भी उतारो और बैल को भी मेरे सहन में ना जाके बांध के आओ। बूढ़ा कहता है ये क्या बात हुई, ये मैं गाय को क्यों बांध के आऊँ आपके सहन में? कहता है वो जो सौदागर होता है, कनिंग जो होता है, मैन होता है, वो कहता है अभी तो आपने कहा था, मैंने आपको कहा कि इन सब का आपने 5 सिक्के लेने हैं और आपने कहा हाँ, लोगों ये बूढ़े आदमी ने यही कहा है ना? तो सारे लोग कहते हैं हाँ हाँ ये सौदागर ठीक कह रहा है, बूढ़े आदमी आपने हाँ बोला है। वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं नहीं इस चीज़ को मानता, इसने अंदर सिर्फ इसने मैंने तो ये समझा कि इसने लकड़ियों का कहा है, इसने इस गाय का तो नहीं कहा। और ये क्या तरीका हुआ 5 सिक्के की भी कभी गाय भी अंदर चली जाती है और लकड़ियाँ भी चली जाती हैं? कहता है वो जो सौदागर होता है बड़ा तेज़ा, कहता है अगर ऐसा मामला है ना तो मैंने आपको अदालत में ले जाना है, कोर्ट में ले जाना है। पता ना जब कोई हम मामला नहीं ना असॉल्व होता फिर कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कोर्ट में जो बड़े जो होते हैं ना जज, जो बड़े ज़्यादा वाइस मैन होते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन राइट पे है और कौन रॉन्ग है। तो जो बूढ़ा बेचारा होता है आदमी, वो सोचता है कि लोगों के पास इतने ज़्यादा लोग गवाह भी हैं, मतलब अगर वो कोर्ट में लेके जाएगा तो फिर इतने ज़्यादा गवाह भी साथ जाएंगे, तो मुझे तो वो जो जज होगा वो तो यही कहेगा कि हाँ हाँ आपने गलती की है। तो बूढ़ा बेचारा ना फिर कहता है कि चलो यार दो 5 सिक्के। 5 सिक्के लेता है बेचारा, बड़ा डिसार्ड होता है, गाय को उसकी बांधता है उसके सेन में और बेचारा चला जाता है। और बाद में अपने आप को ना बड़ा ज़्यादा वो कोसता है कि काश मैंने जो है ना वो बात जो है ना सोच समझ के, इसकी बात समझ के ना तो वो की होती, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये दुनिया जो है ना वो बड़ी तेज़ है, बड़े तेज़ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। घर जाता है तो उसकी बेटी कहती है बाबा जान आप तो बड़े परेशान हैं, मुझे आप ज़रा सैड लग रहे हैं, और गाय किधर है? लकड़ियाँ तो चलें आप बेच आए हैं लेकिन गाय किधर है? कहता है बेटा मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ऐसे उधर गया हूँ शहर में, एक चलाक और लालची सौदागर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, उसने मुझे कहा पहले लकड़ियों का पूछा, फिर उसके बाद उसने कहा कि इन सब का 5 सिक्के लोगे, तो मुझे तो ये था कि इसने लकड़ियों के गट्ठे का पूछा, तो मुझे नहीं था पता कि वो साथ बैल का भी सौदा कर रहा है, उसने बैल का भी सौदा इसी तरह किया और बदले में क्या हुआ मेरी बेटी? तो सारे लोग भी इर्द गिर्द इकट्ठे होने शुरू हो गए और सब लोग गवाह थे, उनको पता था कि बूढ़े आदमी ने हाँ बोल दिया, तो सारे लोगों के पास भी उस चीज़ की मतलब गवाही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ इसी जो सौदागर कह रहा है ना वो बिल्कुल सही बात है, तो मेरी बेटी मैं वहाँ पे क्या कर सकता था? तो वो कहती है बाबा आपको कम अज़ कम सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं था करना चाहिए, गलती तो इसमें आपकी भी है, हर जब भी कोई डिसीजन ले ना तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे हरी फरी में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कहते हैं हाँ मेरी बेटी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा भी हो गया हूँ, मेरे पास तो और कोई ज़रिया माश भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? वो बेटी बड़ी उसकी चलाक होती है, बड़ी अक्लमंद होती है, कहती है बाबा परेशान ना हो, हम ऐसा करते हैं कि हम साथ वाले जो हमसाए हैं ना हम उनके पास एक गाय एक दिन के लिए लेते हैं, लकड़ियां लेते हैं और हम फिर उधर जाते हैं शहर में, और इस दफ़ा मैं आपके साथ जाऊंगी लकड़ियां वगैरह बेचने। वो कहता है बेटा नहीं, वहां के लोग बड़े चलाक हैं शहर के, आप ना मेरे साथ जाओ,
कहती है बाबा मैंने कहा है ना मैं आपके साथ जाऊंगी। उसके जहन में ना कोई आइडिया होता है उसकी बेटी के जहन में, कहता चलो सही है। वो हमसाए से जाके एक दिन के लिए बैल मांगता है, फिर लकड़ियां बेचारा इकट्ठी करता है, उनको गट्ठे में बांधता है, अपनी बेटी को लेता है तो गांव की तरफ रवाना हो जाता है। जब गांव की तरफ रवाना हो जाता है तो फिर वो सौदागर मिलता है, वो जो लालची होता है ना वो फिर मिलता है। तो कहता है हाँ भाई बूढ़े आज फिर आ गए हो। बूढ़ा आदमी कहता है हाँ जी आज मैं फिर आ गया हूँ। कहता है फिर क्या फिर हिसाब किताब है इन लकड़ियों का, दोगे फिर लकड़ियाँ मुझे पाँच उन्हीं पैसों में इसी तरह ना। तो वो कहता है बूढ़ा आदमी कहता है मैं आपको दे तो दूंगा दूंगा, लेकिन इस चीज़ का जो है ना आपने बार्गेनिंग जो करनी है ना, जो पूछना है, ये मेरी बेटी साथ आई है आपने इससे पूछना है, आज ये डिसाइड करेगी कि इसने देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये चाहती है कि ये बार्गेनिंग करे जिसको भी सेल करे। कहता है चलो आपकी बेटी से कर लेते हैं। कहता है हाँ भाई लड़की बताओ ये जो गट्ठा है ये देना है फिर पांच सिक्कों में। तो लड़की जो होती है कहती है क्या कह रहे हैं, पहले कहता है सब, फिर बाद में कहता है नहीं नहीं ये गट्ठा जो है ये देना है फिर पांच सिक्कों में। लड़की बड़ी तेज़ होती है, लड़की कहती है हाँ मैं दूंगी ये सारा पांच सिक्कों में, लेकिन उस आप अपने हाथ से दोगे, अपने हाथ के साथ पांच सिक्के दोगे। कहता हाँ अपने हाथ के साथ पांच सिक्के दूंगा। लड़की बड़ी तेज़ होती है, उसने हाथ जो बोला है ना उसका मतलब ये होता है कि हाथ अपना ना काट के जो है ना फिर साथ देना होता है, ताकि पांच सिक्के भी साथ देने पड़े। और लड़की जो है ना घर से वो एक्स भी लेके आती है, जो कुल्हाड़ा होता है ना कुल्हाड़े का पता है ना, वो भी साथ लेके आती है एहतियातन, वो अपने बाबा को नहीं बताती तो वो भी लेके आती है। कहता है हाँ हाँ दे देते हैं आपको ये सारी लकड़ियाँ पांच सिक्के में, और अपने हाथ से ही दूंगा, अपने हाथ के साथ ही दूंगा। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई लोगों आप लोग गवाह हो ना जो ये लड़की मेरे साथ बारगी नहीं कर रही है। सारे लोग कहते हैं हाँ जी हम आपके साथ हैं, हाँ जी हाँ जी आप सीधी हो जरा। अच्छा लोग उसके साथ होते हैं तो सौदागर बड़ा खुश होता है, कहता है आज तो फिर मैं इन बाप बेटी को लूटूंगा और आज फिर लकड़ियां जो है ना वो मैं ले जाऊंगा अगर बैल नहीं देगी नहीं। तो मतलब ये है कि वो नहीं आएंगी, अगर बैल नहीं आएगी तो कम से कम लकड़ियां तो इतनी सस्ती मुझे मिल जाएंगी ना। तो ना कहता है चलो आओ मेरे घर में, वो कहती है नहीं इधर ही फैसला होगा। कहता है अच्छा ये लो पांच सिक्के, उसने कहा आप अपने हाथ के साथ दोगे, कहता है हाँ अपने हाथ के साथ ही तो दे रहा हूँ। वो कहती है बाबा ज़रा उधर से ना लकड़ियों के अंदर से ना मैंने बैलगाड़ी के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, वो कुल्हाड़ा ले के आए। उसके बाबा फटाफट कुल्हाड़ा ले के आते हैं, कहते हैं बेटा ये घर से लेके आई थी। कहती है हाँ जी बाबा मैं घर से लेके आई थी। कुल्हाड़ा पकड़ के ना ऐसे उसका एक हाथ में वो सिक्का दे रहा था, ऐसे वो पकड़ के एक हाथ में उसका ना कुल्हाड़े से उसका हाथ ऐसे काटने लगती है। वो कहता है ये क्या ये क्या। कहती है लड़की कहती है आपने खुद ही तो कहा था कि मैं अपने हाथ से पांच हाथ के साथ पांच सिक्के दूंगा। वो कहता है ये क्या बात हुई, ये तो मुझे पागल बना रही हो, मुझे तुमने पागल समझा है, तुम बड़ी अपनी तरफ से चलाक बनती हो, कभी कोई अपना हाथ भी पांच सिक्कों में बेचता है। तो वो कहती है अच्छा पांच सिक्कों में हाथ नहीं, लेकिन ये आपके अपने ही तो अल्फाज हैं और ये सारे लोग जो इर्द गिर्द खड़े हैं आप इनसे पूछें। वो सब लोगों से पूछती हैं हाँ भाई लोगों इन्होंने कहा था ना कि मैं अपने हाथ के साथ पांच सिक्के दूंगा। सारे लोग कहते हैं हाँ लड़की सच बोल रही है, हाँ लड़की सच बोल रही है। वो जो होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है अब वो जेन में सोचता है कि अगर मैंने ये अपने हाथ के साथ काट के इसको सिक्के ना दिए फिर तो मैं झूठा पड़ जाऊँगा। लड़की कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो चलो फिर मेरे साथ आप अदालत में चलो। कहता है अदालत में क्यों। वो कहती है कल भी तो आपने मेरे बाप को कहा था ना अदालत में चलो, आज भी चलो, अगर तो मैं झूठी हुई तो मैं आपको सिर्फ पांच सिक्के भी नहीं आपसे लूँगी, मैं आपको वो भी छोड़ दूँगी। तो वो जो सौदागर होता है उसको समझ आ जाती है कि ये मेरा ही जो मैंने गलत कल काम किया था मैं उसी में फंस गया हूँ। तो कहता है सोचता है बड़ा ज़्यादा और बड़ा परेशान भी होता है और कहता मैं क्या करूँ। तो कहती है अगर हम अदालत में जाएंगे ये लोग भी मेरे साथ जाएंगे और ये वहाँ जाके गवाही भी देंगे। कहता है जेन में कहता है मैं क्या करूँ। कहती है हाँ भाई सौदागर भाई आप तैयार हैं कि मैं आपका हाथ काटूँ। कहता नहीं 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 मेरा हाथ ना काटना, मैं बल्कि आपको इसके बदले में 1,000 दिनार दूंगा। तब दिनार होते थे ना जाना, 1,000 दिनार दूंगा। ये देखो जाना इतना मोटा जाना। अच्छा दिनार किसको कहते हैं। दिनार बोलते हैं जिस तरह पैसे होते थे ना, तो पुराने वक्तों में दिनार होते थे
उससे वो बार्गेनिंग करते थे, उन पैसों को ना दिनार बोलते थे। कहता एक हजार मतलब कहाँ पांच रुपए पांच सिक्के और कहाँ एक हजार जाए ना। तो ना लड़की बड़ी वो तेज उसको आगे से पढ़ती है, कहती है हाँ मुझे मंजूर है दो एक हजार दिनार, फिर ही मैं आपको हाथ आपका जो है ना वो छोड़ूंगी, आपने जो वादा किया है और आप अपने बात से मुकर भी रहे हैं। कहता हाँ मैं अपनी बात से मुकर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना हाथ जो है ना वो दूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी गलती की सज़ा जो है ना वो दे दी है, आइंदा से मैं कभी ऐसे किसी के साथ नहीं करूँगा। वो कहती है आपने मेरे बाबा को बूढ़ा समझा, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को कमज़ोर समझना चाहिए या किसी को हकीर समझना चाहिए, तो उसको आपने बेवकूफ़ मेरे बाबा को बनाया, आपने हमारे से बैल भी ले लिया, आपको पता है हमारा ज़रिया माश वही था, तो आपने हमारी बैल भी हमसे छीन ली और उल्टा आज फिर आप हमारे साथ डिप्लोमेसी खेल रहे थे। तो वो कहता मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसे नहीं करूँगा, मुझे मेरी जो मैंने तरकीब अपनी लालच वाली लड़ाई थी मुझे उसकी सज़ा मिल गई है, मैं आइंदा से नहीं करूँगा। तो वो लड़की फिर एक हज़ार दिनार लेती है, अपने बाबा को साथ लेती है, वो बैल को लेती है और घर आ जाती है। फिर वो उसके बाद उसके बाबा जो है नई बैल लेते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं ऐसे ही, फिर वो जो बैल होती है वो ज़्यादा दूध भी नहीं देना शुरू कर देती है। फिर उसके बाबा जाके नई बैल ले लेते हैं ना वो लोग, वो तो हमसायों की बैल होती है ना, तो वो जो यंग होती है बैल वो बहुत ज़्यादा दूध देती है, फिर उनके उनका उनका जो सिस्टम होता है वो दोबारा से वो चलना शुरू हो जाता है। और इस तरह से वो अपनी बेटी के ऊपर इतना फ़ख्र करता है कि मेरी बेटी ने इतनी अच्छी तरकीब लड़ाई है, ये तो मेरा तो नुकसान हो गया था और सारी ज़िंदगी का ये तो खसारा था। तो इससे आपने जाना क्या सीखा कि हमें जब भी कोई डिसीजन लें, हाँ हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। लेसन ये भी मिलता है कि अगर कोई लालची हो तो हमें उसको समझाना चाहिए। ज़ाहिर आपने भी लालच नहीं करना, ठीक है, आप भी लालच करते हो ना, पर समझाते तो है ना, समझाते तो है ना। हाँ, और अभी इससे आप लोगों ने ये भी लेसन सीखना है कि कभी भी किसी की चलाकी में नहीं आना चाहिए और सोच समझ के बात करनी चाहिए। और अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आप अपने लालच की वजह से या अपने बैड थिंकिंग की वजह से अगले बंदे को बेवकूफ बना लेंगे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अगले बंदे के पास भी दिमाग है, माइंड है, वो उससे सोच, हाँ पुलिस भी और अदालत में भी जा सकते हैं।